भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। यही कारण है कि बिहार सरकार कृषि उत्पाद में बढ़ावा देने का पुरजोर प्रयास कर रही है। इसी प्रयास का परिणाम है कि भागलपुर जिले के नवगछिया प्रखंड के गरैया ग्राम के राजेंद्र प्रसाद मंडल जी, जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी सफल किसान होने का परिचय देते आए हैं। राजेंद्र मंडल जी ने वो कर दिखाया जो हर किसान के बस की बात नहीं थी। प्राकृतिक विपदा से लड़ते हुए वो औषधीय पौधों की खेती के साथ साथ मक्का, धान, गेहूं, केला, हल्दी की खेती करते रहे। इनकी हल्दी की खेती देखते ही बनती है। एक एक पौधे में लगभग 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम तक हल्दी लगती है। इन्होंने औषधीय पौधों में लेमन ग्रास, खस गुलाबी, केसरी, सिट्रोनिना इत्यादि की खेती पर ज्यादा ध्यान दिया। अपने औषधीय पौधों की खेती के साथ साथ इसका रस निकालने का प्लांट भी इन्होंने लगाया। अपने इस काम में वो काफी रुचि लेते हैं और आज इसी रुचि का नतीजा है कि इस काम में अपना एक मुकाम हासिल कर चुके हैं। हम जैविक खेती कर रहे हैं। शुरू में 2002 ईस्वी में औषधीय सघन पौधे का खेती किए थे, जिसमें लेमन ग्रास, जापानी पुदीना, खस, पामा रोजा, जमा रोजा, ये सारे खेती करके और हम इसका मार्केटिंग मध्य प्रदेश, लखनऊ, ये माल भेज करके हम मार्केटिंग किए थे। तो मेडिसिनल खेती को हमने अपने मिल का पत्थर साबित किए। इसके बाद यह देख करके अन्यंत्र जिला में भी खेती औषधीय सघन पौधे पर कर रहे हैं। राजेंद्र मंडल जी ने जैविक खेती पर ध्यान दिया। सरकार की मदद से ये वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, साथ ही खुद भी जैविक खेती करते हैं। हम जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास वर्मी कंपोस्ट का 10 पीट बना हुआ है और उस पर हम बृहद पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं और अपना खेती में यूज करते हैं, जिसके चलते मेरा फसल में जो अभी वर्मी कंपोस्ट खाद पड़ा है वो फसल मेरा अभी लहलहाता दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा फसल है। इस फसल से पर्यावरण का भी शुद्धिकरण होता है, साथ साथ स्वास्थ्य भी शुद्ध रहता है और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। माल मवेशी को भी भूसा पुआल जो भी खिलाते हैं वो ऑर्गेनिक भूसा पुआल है, जिसमें कि सबका सेहत बना हुआ है। 5 एकड़ में मक्का, 1.5 एकड़ में हल्दी, 1 एकड़ में केला, ये सभी खेती जैविक तरीके से करते हैं और इस जैविक तरीके से होने वाली खेती के फायदे और उपज भी अद्भुत हैं। जैविक खेती जो इनके द्वारा किया गया है, इसमें मक्के का लहलहाता फसल और जो ये मेडिसिनल प्लांट जो हल्दी है, हल्दी में भी इन्होंने पूर्ण रूप से जैविक खाद को अपनाया है, जैविक विधि से खेती किया है और एक एक हल्दी का जो राइजोम का गुच्छा है वो 1-1.25 किलो तक है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और यही नहीं, ये जो इनका बीज उत्पादन हो, हम तो चाहेंगे कि और भी बाकी किसान इनसे ये बीज लें और कैसे जैविक विधि से इन्होंने हल्दी जैसा मेडिसिनल प्लांट का उत्पादन किया है, इनसे वो सारा कृषि पद्धति अपनाकर और प्रेरणा पाकर ये और अच्छा ढंग से बाकी किसान भी जैविक खेती को अपनाएं, क्योंकि जैविक खेती ही हमारा एक टिकाऊ खेती है जो कि बहुत लंबे समय तक हमारे पर्यावरण, मनुष्य के स्वास्थ्य और मिट्टी के स्वास्थ्य को बरकरार रखता है।
खेती के साथ साथ इनके बाग में आम, अमरूद, लीची, अर्जुन और महोगनी के बहुत से पेड़ लगे हैं। साथ ही बांस के भी सैकड़ों पेड़ इनके बाग में लगे हुए हैं। फॉर्म पर हल्दी का खेती, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती हम 1.5 एकड़ में किए हैं। इसके बाद कम से कम 5 एकड़ में मक्का लगा हुआ है और 1 एकड़ में मेरा केला का खेती लगा हुआ है, और साथ साथ इसमें आम का पौधा है, लीची का पौधा है, अमरूद का पौधा है, अर्जुन का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, बांस लगा हुआ है। वो सब जितना जो भी हम खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती है, और मेरे पास मछली का तालाब है, उसमें मछली पालन हो रहा है। एक कृषक तभी सफल किसान बन सकता है जब खेती के साथ साथ पशुपालन भी करे। इसमें भी राजेंद्र बंडल जी ने मील का पत्थर साबित किया। अपने फार्म में ही मछली पालन, गौ पालन इत्यादि की व्यवस्था की। इनकी इसी काबिलियत को देखते हुए साल 2007 में राजेंद्र मंडल जी को किसान भूषण सम्मान से नवाजा गया, और इसी के साथ न जाने कितने ही ऐसे सम्मान इस क्षेत्र में उनके नाम पर दर्ज है। ये वो सम्मान है जिनके लिए हर किसान सपना देखता है, और इस सपने को सच कर दिखाया। इनकी सफलता के पीछे कृषि विभाग और आत्मा का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने समय समय पर इन्हें सही रास्ता तो दिखलाया ही, इनका मनोबल बढ़ाने का काम भी किया। अति प्रगतिशील किसान है, और इनको आत्मा भागलपुर की ओर से किसान भूषण, जो कि जिला स्तर का किसान का सर्वोच्च सम्मान है, वो इन्हें प्रदान किया गया है। और इनकी विशेषता ये है कि कुछ अलग करके एक मिसाल कायम करना चाहते हैं। इसके पूर्व इन्होंने मेडिसिनल प्लांट लेमन ग्रास पर बहुत ज़्यादा काम किया है, उसका डिस्टिलेशन प्लांट लगवाया, उससे जो तेल एक्सट्रैक्ट करके निकाले उसको बेच कर एक व्यवसायिक खेती का मील का पत्थर एक कहा जाए इस ज़िले में कायम किया है। वो देख करके बाकी किसान देखें और अनुसरण कर सकें। यही नहीं, बर्मी खाद इनके द्वारा खुद बनाया जाता है। हमने जो खेती करके रखे हैं अभी, जैसे कि हल्दी का खेती है, 1 एकड़ में कम से कम इसका मिनिमम या ऊपर जो कहा जाए, इसमें 1 लाख रुपया 1 एकड़ में इसका आमदनी है। दूसरी सवाल, 1 एकड़ मक्का का खेती में जो आमदनी है, कम से कम 100 मन मक्का होता है, और 100 मन मक्का का कीमत उसमें 50,000 रुपया आय है उसमें। तो जिस टाइम में हम औषधि सघन पौधे का खेती किए थे, उस टाइम में 6-7 में भागलपुर में मुझे आत्मा के द्वारा जिला से किसान भूषण से सम्मानित किया गया था, और उसमें मुझे प्रशस्ति पत्र मिला था, और सम्मान पत्र मिला, और साथ साथ मुझे 2 लाख रुपया से पुरस्कृत किया गया था।